सभी को नमस्कार, हर हर महादेव। मिस्टर कौशल चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो सबसे पहले तो भाई मैं आपको ये बता दूँ, ऑटो कट के कनेक्शन करने से पहले हवा 100 से ऊपर रखें। तो अब आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आप ऑटो कट को खोलेंगे, खोलने के बाद एक 8 नंबर की गोटी या फिर चाबी लें और ये जो इसमें नट लगा है उसको टाइट करें। टाइट करना है आपको जितना ये यहाँ पर ये साइड में रिल लगा है ब्लैक काले रंग का, उसकी सीध तक, उससे थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपने सबसे पहले ये काम कर लेना है। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी एक मल्टीमीटर की। मल्टीमीटर को आपको बीप मोड पे सेट कर देना है। देख सकते हैं मैंने अपना क्लैंप मीटर बीप मोड पे सेट कर दिया है। ये जो रिल लगा है ब्लैक कलर का, इसमें ये 6 पॉइंट दिए गए हैं जहाँ पर हमें जो है तारों के कनेक्शन करने हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि बीप की आवाज़ किस किस पत्ती पे आ रही है जो इसमें लगी हुई है, कौन कौन से पॉइंट पे बीप आ रही है। यहाँ पर कहीं भी बीप की आवाज़ नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं बीप की आवाज़ भी है, रीडिंग भी है, आगे बीप की आवाज़ नहीं आएगी, देख सकते हैं। तो यहाँ से सप्लाई यहाँ पे जाएगी। ओके, पहला पॉइंट ये। अब दूसरा पॉइंट देखिए, फिर जो आगे की दो जो पॉइंट है उन पर बीप की आवाज़ आती है और उससे जो आगे दो पॉइंट है उस पर बीप की आवाज़ आती है। ओके फ्रेंड्स, तो हमें कनेक्शन इसी हिसाब से करने हैं। वो कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब आपको सबसे पहले जो ये मोटर है, ये मोटर के जो दो तारे हैं ये देख सकते हैं, ये मोटर की दो तारे हैं। आपके पास जो मोटर होगी उसके जो दो तारे हैं उनको छील लेना है और उसके बाद यहाँ पर जो है थोड़ा सा होल कर लेना होता है। जो मोटर के दो तार हैं पहली साइड से निकालें और ये जो दूसरी तार है ये हमारी कनेक्शन की है जहाँ से इसके अंदर सप्लाई आएगी। तो फ्रेंड्स, ये जो पहली पत्ती है ये जिन पे बीप की आवाज़ आ रही थी, तो हमें यहीं से कनेक्शन की स्टार्ट करनी होती है। तो कनेक्शन की शुरुआत यहीं से करेंगे। ये जो सप्लाई की तार है आप पहले जो दो पत्तियां हैं किसी पत्ती पर लगा सकती हैं जहां पर बीप की आवाज़ आ रही है। सप्लाई की एक तार आपको यहां पे लगानी है। ध्यान रखें, दूसरी सप्लाई की तार है ये आपने वहां पे नहीं लगानी है। यदि ये आपने इसकी लगा दी है साइड में तो भाई फिर तो आप जानते हैं क्या होगा, सारी आपकी जो वायरिंग वगैरह है वो जल जाएगी। ये जो बीच में पत्ती है ये उस काम के लिए है जो यदि आपके पास 3 फेज की मोटर है, लेकिन मेरे पास सिंगल फेज की मोटर है तो हम शुरू वाली पत्ती और लास्ट वाली पत्ती का इस्तेमाल करेंगे। चाहे तो बीच वाली पत्ती पे भी हम इस तार को लगा सकते हैं। और ये जो दूसरी तार है ये मोटर की है, और आपने इस तरह से जो आगे की दो पत्तियां हैं जहाँ पर बीप की आवाज़ आ रही थी उनमें से एक पत्ती पे मोटर की तार लगा देनी है। तो फ्रेंड्स, पहले आप ये जो मोटर की तार है
दूसरे वाली उसको इस सप्लाई की तार की साइड में लगा देना है। यहाँ पर ध्यान रखें, जहाँ पर ये तार लगा रहा हूँ यहाँ पर मोटर की तार लगेगी, एक साइड में सप्लाई की और एक साइड में मोटर की। ओके फ्रेंड्स, अब ये जो एक पत्ती बची है और हमारे पास एक सप्लाई की तार बची है, तो हमने वहाँ पर ये सप्लाई की तार लगा देनी है, क्योंकि फ्रेंड्स जहाँ पर बीप की आवाज़ आ रही थी वहाँ से हमें एक सप्लाई की तार लगानी है और दूसरी तरफ मोटर की। जैसे हमने आगे लगाई एक सप्लाई की एक मोटर की, जहाँ जहाँ पर बीप की आवाज़ आ रही थी आमने सामने, जहाँ बीप की आवाज़ आए वहाँ पर दोनों सप्लाई की मत लगाना, वरना भाई फिर तो आपकी सारी वायरिंग जल जाएगी और इस तरह से आप इसकी अच्छे तरीके से सेटिंग कर दीजिए। लीजिए भाई, हमारे कनेक्शन जो है अब हो चुके हैं। अब देखिए इसके नीचे ये रिले की पत्ती है, ये पत्ती जो है ऐसे नीचे की तरफ जानी चाहिए दबाव के कारण। देख सकते हैं इसको मैं ऊपर करता हूँ लेकिन ऊपर नहीं रुक रही, ये नीचे रहनी चाहिए। ये नीचे रहेगी तभी आप मल्टीमीटर से इसको टेस्ट कर पाएंगे। यदि ये ऊपर होगी तो मल्टीमीटर से बीप की आवाज़ नहीं आएगी। हवा देख सकते हैं 120 मैंने की हुई है। अब हम इसकी तार लगाते हैं और बटन प्रेस करते हैं। देख सकते हैं एयर कंप्रेसर अब चल चुका है। अब ऑटो कनेक्शन जो है, ऑटो कट के कनेक्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। अब भाई हम इसकी सेटिंग करनी है। कनेक्शन हमने कर लिए, अब उसके बाद अगला स्टेप होता है सेटिंग का। सेटिंग का मतलब है भाई कि आप कहां पर ऑटो कट का कर चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि ये जो है कुछ 150 के आसपास इसका कट लगे। जैसे ही मेरे एयर कंप्रेसर में 150 पर हवा पहुंचे तो ये जो मोटर जो है वो ऑटोमेटिकली ही बंद हो जाएगी। तो देख सकते हैं अब हवा 150 हो चुकी है। जैसे ही 150 पे हवा पहुंची तो आपको करना क्या होता है, जहां पर आपको सेटिंग करनी है 140 पे, 130 पे, ये 100 से ऊपर होगी फ्रेंड, 100 से नीचे नहीं, मोटर को आपने बंद कर देना है और तार को निकाल देना है। अब मैंने 150 PSI हवा कर दी है। अब आपको करना क्या होता है, मैं मोबाइल की लाइट जला लूं, आपको शायद सही से दिख नहीं रहा। तो फ्रेंड्स देखिए अब क्या है, जो पत्ती है वो नीचे है। अब हमें ये जो नट है 8 नंबर का उसको लूज करना स्टार्ट करना है। जहां पर वो पत्ती ऊपर आएगी वो ध्यान रखिए वहीं पर हमें इस नट को छोड़ देना है। देखते रहिए, देखिए पत्ती ऊपर आ गई। ओके, अब क्या हुआ फ्रेंड्स, अब जो हमारा एयर कंप्रेसर है उसका जो ऑटो कट है वो देख सकते हैं, यदि मैं उस पत्ती को नीचे करूँगा अब वो नीचे नहीं जाएगी, ऊपर आती रहेगी। देख सकते हैं पहले ये नीचे जा रही थी अब ऊपर आती रहेगी। ओके, तो अब क्या हुआ फ्रेंड्स, यदि हम अब इस तार को लगाएंगे, एयर कंप्रेसर चल रहा था लेकिन अब जो है हमारा जो एयर कंप्रेसर है वो नहीं चलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं अब एयर कंप्रेसर जो है वो चल नहीं रहा। अब मुझे इसको चेक करना है, क्या जो मैंने कनेक्शन किया है यहाँ पर, अब मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, आपको अब कुछ नहीं करना यहाँ पर। अब आपको जो है ये टेस्टिंग करना है कि हमारा जो एयर कंप्रेसर है वो 150 पाउंड पे सेट हुआ या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हम सबसे पहले जो हमारा
एयर कंप्रेसर है उसकी हवा निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हवा निकलनी स्टार्ट हो चुकी है, बहुत प्रेशर है इसके अंदर अब, और देखेंगे अब ये कहां पर ऑटोमेटिकली स्टार्ट होता है। मैं आपको दूर से दिखा रहा हूं, देखिए लाइट का जो वो जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बटन है वो चल रहा है, अब ये ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। देखिए ये चलता हो गया, अब मैं हवा बंद कर देता हूं। अभी देखते हैं ये कहां पे चला ऑटोमेटिकली, देखिए क्योंकि तो यहां पर एक स्क्रू और है जिसकी मुझे आपको बताना है। तो देख सकते हैं ये 115 के आसपास अभी चला है, मैंने इसको 145 या 150 पे सेट किया था, तो ये 30 पाउंड के बीच में ही सेट हो चुका है। तो यदि आप इस 8 नंबर के नट को थोड़ा टाइट करेंगे, 160 पे कट मारेगा, थोड़ा और टाइट करेंगे एक दो चूड़ी 170 पे कट मारेगा, यदि लूज करेंगे तो 150 से 140 पे आ जाएगा। अब ये छोटा स्क्रू देखिए, ये यहाँ जमा का निशान है, यहाँ माइनस का निशान, तो इसका क्या काम है फ्रेंड्स? इसका काम है यदि आप इसको थोड़ा सा टाइट कर देंगे ना, तो क्या होगा, जो कट हमारा अभी 30 PSI पे लगा वो 40 हो जाएगा। थोड़ा सा टाइट करेंगे वो 50 का डिफरेंस हो जाएगा, जैसे 100 से 150, 100 से 160, 100 से 140 कुछ ऐसा। ये जो है ये लिखा है देखिए, इस पर जो ये रेंज है ये 100 से लेकर 213 इसकी 8 नंबर की, और जो नीचे लिखा है ये 24 से 100 PSI, ये है सक्रियों की सेटिंग। आप इसको इस तरह से सेटिंग कर सकते हैं कि आपको जो कट है वो कितने डिफरेंस पे चाहिए। जैसे मैंने अभी किया है वो 30 PSI पे कट लग रहा है, यदि थोड़ा सा इसको टाइट कर दूंगा एक चूड़ी तो ये फिर 40 PSI हो जाएगा, फिर ये थोड़ा सा टाइट कर देंगे तो ये 50 PSI पे कट मारेगा, 150 से 100 पे फर्क रहेगा, 100 से ऊपर। तो इस तरह से आप इसकी जो सेटिंग है वो आप कर सकते हैं। चलिए हम एक बार और देख लेते हैं आपको, अब चलते चलते एक बार और दिखा देता हूँ क्या 145 कट सेट था या नहीं। देखिए अब एयर कंप्रेसर में 145 हवा हो चुकी है, देखते हैं बंद होता है नहीं। तो फ्रेंड्स ये बंद हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स।